Good morning students. So we are going to start next questions of this exercise. Question number 9, question number 10 and question number 11. तो आपकी book का जो chapter number 1 है उसका question number 9, 10 and 11 हम इस class में करेंगे. तो मेरे साथ आप पहले question read कीजिए. तो question number 9 है, write place and place value of 5 in 495. तो आपको ये जो 495 नंबर गिवन है इसके अंदर 5 डिजिट दी हुई है. ये रही 5 डिजिट. आपको इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है एंड आपको बताना है कि ये कौन सी प्लेस पे है. तो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है एंड प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू एंड प्लेस के बारे में. तो इसमें देखिए, यहाँ पर है प्लेस वैल्यू हमारी 3 डिजिट वाली. तो 3 डिजिट में कौन कौन सी प्लेस वैल्यू होती है हम पहले ये देख लेते हैं. ये आपका होता है राइट साइड से फर्स्ट वंस पे एंड सेकंड होता है आपका टेंस पे एंड थर्ड आपका होता है हंड्रेड्स प्लेस पे. तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस. तो अब आपको बताना है कि 5 कौन से प्लेस पे है. 5 है आपका वंस प्लेस पे. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे इसकी प्लेस, वंस प्लेस. तो यहाँ हम लिखेंगे वंस प्लेस. तो मैंने यहाँ पे लिखा है वंस प्लेस एंड प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे आप इसकी. देखो प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5. तो हम यहाँ लिखेंगे 5. प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको वंस प्लेस पे गिवन है तो आप एज इट इज लिख देंगे. अगर आपको टेंस प्लस सॉरी टेंस प्लेस पे गिवन है तो आप क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे. एंड हंड्रेड प्लेस पे अगर लिखनी है आपको प्लेस वैल्यू तो आप 2 जीरोज लगा देंगे. राइट. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट. सो स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक है उसमें लिखा है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट. अब मैं बोर्ड पे आपको कलर डिजिट तो नहीं बता सकती, लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है. तो आपकी बुक में क्या है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इनको कलर डिजिट में लिखा हुआ है. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये रहा क्वेश्चन हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे ब्लू कलर से यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है. ठीक है, ब्लू कलर से यहाँ पे नंबर को लिखा हुआ है. तो इसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो देखिए प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे हम. फर्स्ट नंबर है हमारा 7558. अब पहले आप मेरे साथ में प्लेस वैल्यू रीड कीजिए. राइट साइड से फर्स्ट नंबर जो होता है वो होता है वंस, वंस प्लेस पे. तो ये है हमारा वंस प्लेस पे, फिर हमारा ये है टेंस प्लेस पे एंड ये है हमारा हंड्रेड प्लेस पे एंड ये है हमारा थाउजेंड प्लेस पे. तो स्टूडेंट, अब हमें लिखनी है प्लेस वैल्यू. तो 5 की हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ये जो अंडरलाइन हो रहा है इसकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है. तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, पहले आप मुझे बताइए ये कौन से प्लेस पे है. ये है हमारा टेंस प्लेस पे. अगर टेंस प्लेस पे कोई नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे एक ज़ीरो लगा देते हैं उसकी प्लेस वैल्यू लिखने के लिए. तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 50. अब आप देखिए, या फिर हाँ एक और ट्रिक आप ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ 5 के पीछे देखो कितने हैं नंबर्स हैं, ओनली 1 नंबर है इसलिए मैंने 10 लगा दिया. अगर मैं आपसे 5 इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू पूछती हूँ तो क्या करूँगी, मैं 5 लिख के 00 लगा दूंगी. या फिर मैं 7 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछती हूँ तो क्या करूँगी, 7 को यहाँ लिखूंगी एंड 000 लगा दूंगी. क्यों, बिकॉज यहाँ इसके पीछे 3 डिजिट्स हमें गिवन है. ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए इसका, यहाँ लिखा है 823. 823 यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आपको 3 की प्लेस वैल्यू बतानी है. 3 की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, देखो पहले आप इसे रीड कीजिए, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. तो 3 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे. तो इसलिए हम 3 को एज इट इज लिख देंगे और यही इसकी प्लेस वैल्यू होगी. अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 651. 651 में हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है. तो 6 की प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले आप इसे रीड कीजिए मेरे साथ, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. तो 6 हमारा कौन से प्लेस पे है स्टूडेंट्स, 6 हमारा है हंड्रेड प्लेस पे. अब हंड्रेड प्लेस पे ये हमारा है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी,
तो या तो आप क्या कीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए, है ना, डायरेक्ट 100 के लिए हम डबल जीरो यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करेंगे, 6 के पीछे आप डिजिट्स काउंट कीजिए कितनी है, 1 और 2, तो यहाँ ओनली 2 डिजिट्स है, इसका मतलब 6 के पीछे हम क्या करेंगे, 2 जीरोज लगा देंगे। तो ये मैंने यहाँ 2 जीरोज लगा दिए, तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 600। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर की डिजिट में डिजिट की प्लेस वैल्यू आप लिख सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11, राइट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब हो गया किसी भी नंबर को एक्सपेंड करके लिखना। यहाँ पे हमें देखो कुछ नंबर्स गिवन है, इन्हें हमें एक्सपेंड करके लिखना है। तो आपकी बुक में इस तरह का फॉर्मेट गिवन है, आपको बस यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं। तो आपको सबसे पहले उसके लिए प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो प्लेस वैल्यू कैसे हम रीड करते हैं, मेरे साथ साथ रीड कीजिएगा आप भी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं, इसका जो ए वाला क्वेश्चन है, ये लिखा है 990। तो इसकी आप प्लेस वैल्यू रीड कीजिए, तो ये है वंस प्लेस पे, ये टेंस एंड ये हंड्रेड्स प्लेस पे। तो अब देखो यहाँ लिखा है हंड्रेड्स, यहाँ लिखा है टेंस एंड यहाँ लिखा है वंस। तो आप क्या करेंगे, अब हंड्रेड्स प्लेस पे हमें क्या गिवन है, 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। अभी हमने रीड किया था वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, हंड्रेड्स पे क्या है 9, तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। अब टेंस प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स, टेंस प्लेस पे 9, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 9। एंड वंस प्लेस पे कितना है स्टूडेंट्स, 0, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 0, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें देखो क्या गिवन है, 607, 607 की आप प्लेस वैल्यू पहले रीड कीजिए, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। अब जैसे जैसे प्लेस वैल्यू आपने रीड की और यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो आपको बस वही नंबर लिखना है जो इस प्लेस वैल्यू पे है। तो हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है हमारा, 6, तो मैं यहाँ लिखूंगी 6, राइट, 600s एंड बीच में है प्लस साइन, जो हमें दिया हुआ है, गिवन है। अब टेंस प्लेस पे देखिए, टेंस प्लेस पे है 0, तो मैं यहाँ लिखूंगी 0। अब नेक्स्ट देखिए, 7 कौन सा प्लेस पे होगा, वंस प्लेस पे, तो मैं यहाँ लिखूंगी 7। तो ये हमारी हो गई प्लेस वैल्यू, ठीक है, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये लिखा है 189, 189 को भी आप रीड कीजिए, प्लेस वैल्यू रीड कीजिए इसकी, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो ये लिखी है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू वंस पे है हमारे 9, टेंस पे है 8 एंड हंड्रेड्स पे है 1। तो हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है, 1, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1। एंड टेंस प्लेस पे क्या गिवन है, 8, तो मैं यहाँ लिखूंगी 8। एंड वंस प्लेस पे क्या गिवन है, 9, तो मैं यहाँ लिखूंगी 9। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके कुछ बचे हुए 2 क्वेश्चंस और हैं, तो वो आपको खुद से करने हैं होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बुक से कर सकते हैं। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 करना है नोट, और 11 क्वेश्चन के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी आपको होमवर्क में करने हैं।